हमीरपुर में गुरुवार देर रात आई तेज आंधी के दौरान कूड़े के ढेर से निकली एक चिंगारी से सरीरा तहसील के ग्राम मंगरोट में भीषण अग्निकांड हो गया। चिंगारी से भड़की आग में 50 से ज्यादा मकान जल गए, जबकि कई मवेशी भी जलकर राख हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहां ग्राम स्वराज अभियान के तहत बुंदेलखंड के प्रभारी मनोहर लाल पंत सो रहे थे। हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ, जिसमें 2.5 दर्जन लोग बेघर हो गए। हैरानी की बात यह है कि मंत्री जी की मौजूदगी के बावजूद अग्निशमन की एक भी गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी, और सूचना के बाद भी अग्निशमन की गाड़ी 2 घंटे देरी से पहुंची। इस बीच तालाब के पानी से आग पर काबू पाया जा सका। गांव के लोगों की माने तो आंधी में लोगों के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हमीरपुर से शिवशक्ति की एक रिपोर्ट। चौपाल जैसा जानते हैं, और कार्यक्रम चल रहा था, 10 बजे लगभग समाप्त हुआ। उसी समय बहुत तेज़ से आंधी और तूफान आया, उसके साथ बारिश भी। गांव के पीछे एक घूर है, बहुत बड़ा गड्ढा है नाले की शक्ल में, उसमें कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। उसी से एक चिंगारी निकली, और क्योंकि आंधी बहुत तेज थी तो पूरे उसके अगल बगल जितने घर थे उनको अपने लपेटे में उसने ले लिया। क्योंकि काफ़ी हमारे पास पुलिस यहाँ पे थी, काफ़ी हमारे स्टाफ थे, तमाम जनप्रतिनिधि उस समय थे, तो हम लोगों ने उसको संभाला, स्थिति इतना मौके पर संभाल पाया। और इसका आकलन हम लोगों ने किया तो लगभग 17 घर जले हैं अभी तक, कुछ आंशिक, एक दो जो है पूर्ण घर जल चुके हैं, और लगभग 30 या 32 परिवार उसमें प्रभावित थे। एक एक घर में दो दो तीन तीन परिवार रहते थे, टोटल करीब 32 परिवार प्रभावित हैं, 17 घर। किसी जन की कोई हानि नहीं हुई है, 2-3 बकरियों की बात आ रही है, उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं। जो है ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत कार्यक्रम चौपाल लगाई हुई थी, जो हमारे प्रदेश और केंद्र से चौपाल लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सभी कार्यक्रम होने के बाद करीब 10:30 बजे तूफान हवा चलने के कारण कहीं किसी घूरे पर उसी जगह जहां आग लगी है, तो वहां पर चिंगारी निकली। चिंगारी से आग इन घरों में जो है 17 घर करीब जल करके, कच्चे घर मकान थे तो जल करके राख हो गए। तो जिनके घर जल गए हैं सर, उनको क्या मदद दी जा रही है सरकार के द्वारा, क्या मदद दी जाएगी? प्रशासन द्वारा, जो DM साहब हमारे साथ में है, पूरा प्रशासन हमारे साथ में है, और उनकी जांच करके तहसीलदार लेखपाल के द्वारा उनको जितना जिसका नुकसान हुआ है वो नुकसान भी दिया जाएगा, और खाना पीने का साधन, रहने का साधन, विद्यालय इंटर कॉलेज कर दिया गया है DM साहब ने। सर, ग्रामीण तकरीबन कितना नुकसान बता रहे हैं? अब ग्रामीण अलग अलग नुकसान है, जिसके जैसे नुकसान है उसकी जाँच होकर के लिखा जा रहा है।